अस्सलाम वालेकुम मैं हूं हस्मैयात नान और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल पे उम्मीद करती हूं सब खैरियत के साथ होंगे आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूं तो आज हम बना रहे हैं आलू की भुजिया जो कि अमूमन हम लोग उसको नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं और जब हमें कभी समझ ना आ रहा हो कि सालन में क्या बनाया जाए या कुछ मेहमान आ जाएं तो आप इसको झटपट पट फिफ्टीन मिनट में ईज़ली घर में इसको बना सकते हैं आलू की भुजिया चटखारेदार दारा जब हम बनाएंगे वो भी मिसाले वाली तो माशाल्लाह आप इसका कलर भी देख सकते हैं कि कितने ही ज़बरदस्त किस्म की ये त्यौहार है बहुत ही स्पाइसी है माशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए और आपकी भी इस तरह चटखादार मिसाले वाली आलू की भुजिया तैयार हो जाए तो टाइम ज़ाएँ किए बगैर इसको हम स्टार्ट करते हैं तीन मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे उनको मैंने छिलका उतार दिया है और अच्छे से धो लिया है इनको और अब मैं इस तरीके से गोल शेप में काट रही हूँ मोटाई उसकी मैंने इतनी रखी है ताकि ये जल्दी से कुक हो जाएं। तो बस अब इसको हम इस तरीके से सबको आलूओं को इस गोल शेप में काट लेंगे और उनको पानी में डिप कर देंगे ताकि ये काले ना हो जाएं। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है ठीक है पहने मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे मेरे पास करी पत्ता है और मोटी तीन कश्मीरी मिर्च है साबत धनिया है मेरे पास ज़ीरा है और राई दाना मैंने लिया है बस हमारा कुकिंग ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है अब ये सारे स्पाइस जो हैं हम इसके अंदर डाल देंगे और बस हम अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी ज़ीरे की और राइने की तो हमने इसमें क्या शामिल करना है कि जो आलू हमने काट लिए थे उनको मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया है पानी उसमें से रिमूव कर दिया था और अब सारे आलू हम इसके अंदर डाल देंगे कोशिश कीजिएगा मुकम्मल ड्रेन होने चाहिए आलू ये आपके अब हम अच्छे से इसको इस आयल में फ़्राई करेंगे और तकरीबन चार से पाँच मिनट आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो हाफ हमारे आलू हैं वो इधर ही डन हो जाएँ यानी कि हाफ़ कुक हो जाएँ तो बस अब तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तकरीबन तीन से चार मिनट मैं इसको फ्राई करती रही हूँ इसमें अब हमने क्या करना है कि तकरीबन इसको आंच स्लो कर देनी है और इसके ऊपर ढकना दे के तकरीबा तीन से चार मिनट कुक होने के लिए हमने छोड़ देना है तो तीन से चार मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह ये अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो गया आपको लग रहा होगा कि अच्छे से थोड़ा डन हो गया सेवेंटी परसेंट तो बस हमने क्या करना है कि अब इनको मैं निकालूँगी एक बाउल के अंदर नहीं तकरीबन आलू इसके अंदर से निकाल देंगे जो कुकिंग ऑयल होगा वो इसके अंदर रहने देंगे क्योंकि हमने इसमें अब नेक्स्ट प्रोसेस करना है अब मैंने क्या करना है कि जो हमने प्याज लिया था एक मीडियम साइज़ का उसको मैंने बारीकी से चॉप कर लिया है अब प्याज़ को हम फ्राई करेंगे तकरीबन एक से दो मिनट के लिए तक इसका अच्छा सा कलर आ जाए तो माशाला आप देख रहे हैं कि कलर आ चुका है अब थोड़ा सा प्याज को हम और थोड़ा सा एक से दो मिनट के लिए सोते करेंगे और अब जो हम इसमें स्पाइसिस ऐड कर हैं वो है टेबल मैंने पिसा हुआ धनिया इसमें डाला है हाफ़ टेबल स्पून हल्दी इसमें जाएगी हाफ टेबल स्पून और मैं हाफ टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा सुरख लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और वन फोर टेबल स्पून हम दड़ा मिर्च इसमें ऐड करेंगे आप चाहें तो अगर तीखा खाते हैं तो सुरख मिर्च और भी ऐड कर सकते हैं पर हमने कश्मीरी मिर्च भी इसमें ऐड की थी सुरख मिर्च भी ऐड की है दड़ा मिर्च भी ऐड की है तो इससे बहुत ही स्पाइसी बनेंगे और यहाँ पे मैंने तकरीबन दो टमाटर ले लिए थे इनको बारीक चॉप कर लिया था वो भी इसके अंदर डाल दूंगी और मिसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके थे खुशबू अच्छी सी स्टार्ट हो गई थी अब मैं क्या करूँगी कि टमाटर डाल के हम तकरीबन इसके में थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो टमाटर और प्याज़ है अच्छे से इनका मसाला हो जाए यकजान हो जाएंगे तो अब हमने दोबारा क्या करना है कि इसके ऊपर ढकना दे दूँगी मैं तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए ताकि ये अच्छा सा मसाला कुक हो जाए और कुकिंग ऑयल इसका बाहर आ जाए तो माशाला हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है तो अब इस पॉइंट पे हमने क्या करने है कि जो आलू हमने निकाल दिए थे सेवेंटी परसेंट कुक हो गए थे अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे अब दोबारा हम अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे ताकि आलू में अच्छे से मिसाले की कोटिंग हो जाए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपकी आलू की भुजिया बनती है और बनती भी झटपट है एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपकी फैमिली बार बार आपसे बनाने की जिद करेगी और नाश्ते में तो पराठों के साथ क्या ही बात है इस आलू की भुजिया की अब इसके साथ ही हम लोग तकरीबन इसकी तीन से चार मिनट भुनाई की है अब सबज़ मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ अब तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए मैं और इसकी भुनाई करूँगी और ढकना दे के इसको तकरीबन पाँच मिनट के लिए स्लो आँच पर छोड़ देंगे तो माशाल्लाह पाँच मिनट हो चुके हैं तो हमारे देख सकते हैं कि आलू टेंडर हो चुके हैं आलू कुक हो चुके हैं तो अब इस पॉइंट पे हम लोग इसका चूल्हा ऑफ़ कर देते हैं तो अब इसको हम सर्व करते हैं एक अच्छे से बाउल में तो अब सारा हम बाउल में शिफ्ट करेंगे तो बस अब इसको सर्विंग ट्रे में हम लोग डाल रहे हैं और इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ भी गार्निश कर सकते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अब बस हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ से की गार्निश करेंगे और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी ये कैसी बनी इसके बाद हम इसके ऊपर गर्म मसाले की थोड़ी सी कोटिंग करेंगे लाजमी ट्राई कीजिएगा ये आलू की भुजिया आपकी भी बहुत ही मज़े की आलू की भुजिया बनेगी मिसाले वाली मेरी फ़ैमिली ने तो बहुत पसंद किया उम्मीद करती हूँ आपकी फ़ैमिली भी ये पसंद बहुत करेगी दुआओं में मुझे याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़